नमस्कार दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट ने आरपीएफ की न्यू वैकेंसी का दोस्तों इंतजार कर रहे थे, फिलहाल दोस्तों इसकी न्यू अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम सारा इन्फॉर्मेशन आप सबको देने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं दोस्तों आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का दोस्तों वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में दोस्तों आप सबको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला है कि कौन कौन कैंडिडेट इसका फॉर्म दोस्तों फिल कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और दोस्तों इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारा कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो में प्रांत तक बने रहिएगा और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें जिसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है, इससे दोस्तों 12,000 प्लस पोस्ट दोस्तों ऐसे तो मेंशन की गई है, 12,000 प्लस इसकी वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन दोस्तों ये परफेक्ट नहीं है कि 12,000 ही इसकी भर्ती रहने वाली है। जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि कॉन्स्टेबल की 9,000 रहने वाली है और एसआई की दोस्तों 3,000 वैकेंसी रहने वाली है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहते हैं, चाहे दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल है तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा भी बताया गया है कि 1/7/2023 इसकी एज दोस्तों काउंट की जाएगी। और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं, आरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 विल बी कंडक्टेड ऑन द फॉलोइंग फेजेज में। फेज वन में दोस्तों सबसे पहले आपकी सीबीटी एग्जाम होने वाली है जो कि दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, और सेकंड में दोस्तों आपकी पीटी रहने वाली है जिसमें दोस्तों आपका रनिंग होती हाइट चेस्ट दोस्तों मेजर किया जाता है, और थर्ड में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल में दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी दोस्तों होगी। और पे स्केल के बारे में भी बात कर लेते हैं। पे स्केल के बारे में आपको पता ही होगा कि रेलवे में दोस्तों कुछ खास पे स्केल नहीं दी जाती, लेकिन दोस्तों 5200 से आपकी दोस्तों 20,000 दोस्तों रहने वाली है, और दोस्तों 2,000 ग्रेड भी आपको दी जाएगी लेवल 5 तक। और दोस्तों जो एसआई की होती है उसमें दोस्तों 34,500 से लेकर 7th भी सीपीसी और 42,200 में ग्रेड भी दी जाती है, जिसमें लेवल 7th की इसमें दोस्तों दी जाती है। और दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, जब दोस्तों इसकी ऑनलाइन आप फॉर्म को फिल करेंगे उस टाइम दोस्तों आपको 100 रुपये पे करनी होगी। और दोस्तों इसकी सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं, खास करके दोस्तों सिलेबस के बारे में हर एक कैंडिडेट को पता नहीं होता। देखिए दोस्तों जो आपकी सीबीटी एग्जाम रहने वाली है 7 नंबर 1 में जो आपकी होगी, उसमें दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस अर्थमेटिक और दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दोस्तों आपके 3rd पार्ट 1 के 3 ही दोस्तों आपके सब्जेक्ट की एग्जाम ली जाएगी। हो सकता है दोस्तों इसमें कंप्यूटर भी ऐड किया जाए, लेकिन दोस्तों इसमें बात करें आपकी जो जनरल अवेयरनेस है सो 50 क्वेश्चन रहने वाली है 50 मार्क्स की, और अर्थमेटिक दोस्तों 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की, जो कि दोस्तों टोटल हो जाती है 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स की। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पीटी एंड पीएचडी की, जो कि बोथ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहती है। दोस्तों देख सकते हैं मेल के लिए आपकी हाइट रहनी चाहिए, चाहे वह जनरल से हो चाहे वह ओबीसी कैंडिडेट हो, आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों जो आपकी चेस्ट जो आपकी होगी दोस्तों 80 मिनिमम होनी चाहिए, और दोस्तों एक्सपेंड करने के बाद आपकी 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर दोस्तों आपको एक्सपेंड करना होगा, और फीमेल के लिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एससी कैंडिडेट हैं आप दोस्तों, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं गोरखा मराठा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर हाइट मेंशन की गई है, एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 160 और फीमेल के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों रनिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों पीटी के अंदर आती है। इसमें दोस्तों मेल के लिए कॉन्स्टेबल मेल के लिए आपको 5:45 में दोस्तों आपको 1600 मीटर की रनिंग कवर करनी होगी, और फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 800 मीटर की दोस्तों रनिंग करनी होती है 3:40 में, जो कि आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल फीमेल के लिए है। और इसमें दोस्तों लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होती है। अब दोस्तों इसमें मेन बात आ जाती है कि क्या इसकी वैकेंसी रिलीज हो गई है या फिर नहीं हुई। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो इसकी वैकेंसी अभी रिलीज नहीं हुई है। दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि दोस्तों इसकी वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है, लेकिन दोस्तों जो हमने आपको प्रोसेस बताए हैं सेम प्रोसेस रहने वाली, वैकेंसी दोस्तों थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रोसेस पूरा वही रहने वाली है, वही सिलेबस, वही दोस्तों आपकी हाइट चेस्ट मेजर की जाएगी। तो बात करें काफ़ी सालों से इसकी वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है, तो दोस्तों 2023 में इसकी वैकेंसी दोस्तों 100% चांसेस हैं कि इसकी वैकेंसी रिलीज की जाएगी, जिसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर दोस्तों आरपीएफ रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।